इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। नंबर एक में कह सकते हैं कि बिहू समाज समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक यानी संख्या से शुरुआत होती है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती जैसे हो गया, वैसे पहला शब्द शब्द संख्या, उसके बाद है तथा उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा, पूर्व पद का मतलब पहला पद, संख्यावाची होगा। दीपू समाज का पहला पद संख्यावाची होते हैं, तथा उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, संख्यावाची। अब उसके बाद नंबर दो पे कि द्विगु समास, द्विगु समास सामान्यतः किसी समूह के अर्थ को बताता है, किसी न किसी समूह के समूह वाले बात को स्पष्ट तौर दो बातें बताते हैं। पहले कि द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, दूसरा पद उत्तर पद संख्यावाची। संख्या का मतलब गिनती वाले शब्दों से शुरू होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, तो क्या कहें, संख्यावाची। दूसरा वर्ग है द्विगु समास सामान्यतः किसी न किसी समूह को अर्थ समूह के अर्थ को लेकर यानी सामूहिक अर्थ है, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं लगाते, उसके समूह के बारे में द्विगु समास के माध्यम से बात किया जाए। नंबर तीन, द्विगु समास सामान्यतः नपुंसकलिंग एकवचन या स्त्रीलिंग एकवचन में
एक वचन में होते हैं कम होते हैं समस्त क्या होता है वो समस्त ये समस्त पद ऊपर निकला था लाइन नीचे लिख दिया ऐसे ऊपर क्यों समास का समस्त पद समानता लंबू से एक वचन या इस तरह एक एक वचन के लिए होता है ठीक है ऊपर लिखना मुझे याद रखने के लिए लंबू समास का समस्त पद समानता है लंबू से एक वचन या तो लंबू से एक वचन होता है या इस तरह एक वचन में होते हैं नंबर चार में दिया गया है यू समास यू समास किया सस्ती विभक्ति आपके यू किया है का सस्ती विभक्ति का प्रयोग किया है प्रयोग किया जाता है इन बातों को ध्यान से देखें ये द्विगु समास के बारे में सामान्य जानकारियां है द्विगु समास की सामान्य जानकारियां आपको दिया हूं मैं और आज आपको एक सामान्य जानकारी ताकि जब हम द्विगु समास के बारे में इसके उदाहरण करें तो आप सरलता से समझ सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद।